दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आरओ की जो सर्विस है आप घर पर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। जो आरओ फिल्टर के बाहर फिल्टर लगा होता है ऐसा, उसको हम खोल के सर्विस करना आपको सिखाएंगे। इसको आसानी से कैसे खोल सकते हैं, इनकी इसको खोलने की कौन कौन सी ट्रिक है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा जो फिल्टर है इसको हम आपको खोलना बताएंगे। इसकी पहले पाइप को निकाल लेंगे। इसकी जो पाइप निकालने के लिए हमें आपको इसको ध्यान को देखना पड़ेगा ध्यान से। जब इसको हम निकालते हैं ना, तो ये जो हमारा रिंग है ये वाला, ये साथ में बाहर निकलता है। तो इसको हम दूसरी तरफ करेंगे और इसको हम पाइप को निकाल लेंगे। इससे आसानी से आपकी पाइप निकल जाएगी। लगाना तो बहुत आसान है, लगाने के लिए सिंपल हम ऐसे इसको लगा देंगे भाई। ये हमारी फिट हो गई है। निकालने के लिए इसको दबा के निकालना पड़ता है। लगाने समय ये सीधी लग जाती है, तो निकाल लेंगे पहले। दोस्तों, इसको खोलने के कई हमारे तरीके हैं, आपको जो आसान लगे आप वो अपना सकते हो। पहला तरीका जो है आपको जो सिंपल घर में, इसके लिए दो लोगों की जरूरत पड़ेगी। एक को हम इसको नीचे से पकड़ना पड़ेगा और दूसरे बंदे को ऊपर से इसको घुमाना पड़ेगा, इसके हैंड ढक्कन को जोर से घुमाना पड़ता है तब ये खुलेगा। बहुत टाइट होता है, टाइट इसलिए होता है क्योंकि नहीं तो अगर टाइट ना हो तो इसका पानी जो बाहर आना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको दो लोगों की जरूरत पड़ेगी, एक इधर से पकड़ेगा और एक इधर से पकड़े घुमा देगा। ध्यान रखिए, जब भी आप इसको खोलें तो जब ऊपर से पकड़ते हैं तो आप एल्बो को मत पकड़ेगी इसको। अगर आप इसको पकड़ोगे तो ये टूट जाएगी, इसलिए जब भी इसको आप दो जने मिलकर खोलो तो इसके ऊपर से पकड़ो हमेशा। एल्बो पे कभी मैं जोर डालना नहीं तो एल्बो टूट जाती है, आपका काम बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक तो ये ट्रिक होती है और दूसरी घर में आसान जो अगर आप अकेले हो वहाँ पे तो उसको इसको हमने खोलना है, तो इसकी एक और ट्रिक हमारे पास है। एक तो इसके लिए ये रिंग होता है, ये रिंग इस्तेमाल करने के लिए इसको हम ऐसे डालते हैं, एक हाथ से इसको इस तरफ इसको पकड़ के रखना पड़ता है और ये खुल जाता है। ये हमारा जो खुल गया, ये इसके अंदर का फिल्टर है, काला हो चुका काफी। तो इसको हम फिर से टाइट कर देते हैं। इसकी जो दूसरी ट्रिक है, एक और ट्रिक हमारे पास, अगर आपके पास कुछ हथौड़ी है तो हथौड़ी का जो लोहे की हथौड़ी होगी उसका जो ये वाला सिरा होता है ये हमने इस पर नहीं मारना। अगर ये मारेंगे तो ये हमारा टूट जाएगा। इसका हम जो बैक साइड है ये हम इस साइड मारेंगे। हमेशा ध्यान रखना है राइट साइड में, राइट साइड की तरफ से ये उस तरफ खुलेगा, राइट साइड से लेफ्ट साइड। इसलिए हम इस तरफ इसकी हथौड़ी मारेंगे। ये हमारा खुल चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास प्लास्टिक की हथौड़ी है, एक ये होती है, इसे तो हम इसी साइड से मार सकते हैं क्योंकि ये टूटेगा नहीं, आसानी से ये खुल जाएगा हमारा। अगर आपके पास कोई लोहे की हथौड़ी भी है, कोई छोटी हथौड़ी है, आपके पास कोई ऐसा सामान है जिससे आप कोई और रास्ता नहीं है, तो आप इस पर कपड़ा लपेट कर भी इसको खोल सकते हैं। इस पर एक मोटा सा कपड़ा लपेट कर लगा के इसको अच्छे से आपने बांध लेना है क्योंकि निकले ना कपड़ा। इससे हम इसको खोल सकते हैं। तो ये जो फिल्टर है इसको हम चेंज करेंगे। तो ये जो फिल्टर होता है हमेशा नया डलता है, कभी पुराना मत यूज़ कीजिए। कई लोग इसको धोकर दोबारा लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ये फिल्टर जब भी लगाना नया लगाना है उसको। इसकी लाइफ जो होती है 4 से 6 महीने की होती है। 6 महीने बाद आप इसको ज़रूर अपने घर के फिल्टर को चेंज करें। तो ऐसी यूज़फुल वीडियो और देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी यूज़फुल वीडियो आपको हमारे से मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करें।